बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एनएएन 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीज हबीब। मंडी बहादुर से सबसे पहले अपडेट शामिल करेंगे, जहाँ पर पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए दोहरे कत्ल केस में मुलविस मुलजिमान को ट्रेस करके 24 घंटों के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लिया। इस मौका पर DPO अनवर सईद किंगरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। मज़ीद तफसीलात से आगाह करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राना खुरम शाह साहब। जी खुरम शाह साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। मंडी बहादुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अनवर सईद किंगरा ने SSP इन्वेस्टिगेशन खालिद खान और DSP CIA अमर शाहीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि कादराबाद के इलाके में दिन दहाड़े मेन रोड पर इंतहाई बेदर्दी से साबका सदर बार सीनियर मोहम्मद परवेज रांझा और इनके बेटे दानियाल महमूद रांझा 8 नामालूम मुलजमान ने कातलामना हमला किया, जिसमें जदीद असला से सैकड़ों फायर किए गए, जिनकी जद में आकर सीनियर एडवोकेट महमूद परवेज रांझा और इनका ड्राइवर मौका पर जाबाक हो गए, जबकि इनका बेटा दानियाल महमूद शदीद जख्मी हो गया। मुलजमान ने मौका से फरार हो गए, जिनके खिलाफ मुकदमा थाना कादराबाद में दर्ज रजिस्टर हुआ। इंतहाई संगीन वकवा का अफसरान बाला ने फौरी नोटिस लिया और अरवर सईद किंगरा ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने वोका की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए पुलिस की खसूसी टीम तश्कील दी, जिन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी से काम लेकर सिर्फ 24 घंटों के अंदर मुलजमान ट्रेस कर लिए और आज वकवा के सरगना अवैस तारक वल तारक जैलदार सकना फालिया को इसके 3 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। बाकी मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजम पार्टी की अंसर ठकराना के साथ अरसा दराज से कत्ल की दुश्मनी चली आ रही है। मकतूल सीनियर एडवोकेट महमूद परवेज रांझा असर ठकराना के दोस्त और वकील थे, इसकी हर मुमकिन मदद करते थे। मुलजम पार्टी ने अंसर ठकराना की ताकत ख़त्म करने के लिए बाकायदा मनसूबाबंदी से कातलाना हमला किया। मुकदमा की मजीद तशीश जारी है। कैमरामैन टीम के साथ राणा खुरम शहजाद, NAN 24 न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। जी खुरम शहजाद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। मज़ीद अपडेट शामिल करेंगे कि मुल्क में पुराना पाकिस्तान वापस आते ही मुल्क में बिजली का जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। इसी तरह टोबा टेक्सिंग और इसके गिर्दो नवाह में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुहाल कर रखा है। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बनाकर रख दी। माह मुकदस के दौरान बिजली की बंदिश ने शहरियों को सख्त परेशानी में मुब्तला कर दिया। बिजली की तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से नमाजियों के वजू के लिए पानी भी दस्तयाब नहीं। सख्त गर्मी के मौसम में मसाजिद में एतकाफ करने वाले मुसलमानों को भी शदीद अजियत का सामना है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।